वैक्सीन की कमी, दूसरी ओर वैक्सीन लगवाने का लोगों में उत्साह। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मैराथन दौड़ तो आपने बहुत देखी होगी, परंतु आज हम आपको वैक्सीन की मैराथन दौड़ दिखाने जा रहे हैं। यह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद का है, जहाँ सुबह का नजारा है, जहाँ पर सुबह 4 बजे लगभग 500 व्यक्ति से अधिक संख्या में वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंचे। जैसे ही सुबह टोकन बांटने के लिए स्कूल का गेट खोला गया, लोगों ने टोकन प्राप्त करने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि मैराथन दौड़ हो रही हो, ऐसी ही स्थिति यदि बनी रही तो एक दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। एक तरफ वैक्सीन लगाने का उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं पर वैक्सीन 3 से 4 दिन में वैक्सीन सेंटर पर उपलब्ध की जाती है। वहीं कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश के कारण कई बार कर्मचारियों को गाली गलौज करके चले जाते हैं और कई नेताओं का दबाव बनाते हैं, साथ में वैक्सीन आगे से नहीं आ रही है। एक तरफ तो सरकार वैक्सीन का प्रचार मोबाइलों के डायलटोन के माध्यम से भी, विज्ञापनों के माध्यम से भी कर रही है, वहीं पर वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धामनोद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।